पोस्टमैन चिट्ठी दो, अब्बा को बुलाओ। मैं दे दूँ? नहीं नहीं, अब्बा को बुलाओ, रजिस्टर चिट्ठी है। अब्बा आपकी चिट्ठी। बेटे आप ले लो। उन्हीं को दूंगा, उन्हें बुलाओ। मुझे नहीं दे रहा है। अच्छा आदा, आदा क्या है? रजिस्टर है आपको। बेटे तुम अंदर जाओ। कहाँ दस्तखत? यहाँ पे दस्तखत। किसकी चिट्ठी है? अब्बा की। किसने लिखी है? नहीं मालूम। शुक्रिया। तुमने पूछा नहीं अब्बा से? नहीं। जाओ जाओ पूछ के आओ। नहीं। जाओ ना पूछ के आओ। नहीं। अरे पूछो ना। सुनिए। क्या है? किसकी चिट्ठी है? मेरी चिट्ठी है। कहाँ से आई है? तुम्हें हर बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हज करने जा रही हूं, तुम मुझसे मिलने फौरन चले आओ। इस बात का ख्याल रहे कि तुम मेरा जिक्र किसी से नहीं करना। इस खत को पढ़ने के फौरन बाद इसे जला देना। जुमेरात की शाम जरूर पहुंच जाना। हमारी मुलाकात उसी खुशनुमा कुएं पर होगी जहां मिला करते थे। अरे अरे तो सोई है। अरे अरे उठना। अरे उठ जा। मेरे सिर में दर्द है। अरे उठना। अरे उठना, आज के दिन तो सभी दर्द भुला दिए जाते हैं। गलत, आज के दिन तो नए दर्द पालने का दिन है। जिंदगी के अहम फैसले तो आज लिए जाते हैं। अगर आज का दिन गया तो एक साल के बाद आएगा। चलो उठना। ठंडी हवा, ताजा नजारा, हवाओं में नशा। अरे उठ, अरे उठ, उठना। अरे उठ, मुझे नहीं जाना। अरे उठना। जाने तो नहीं जाती। चल। मैं तो पिछली बार गई थी, मुझे इतना मजा आया था ना कि इस बार भी देखो। चलो पागल है, नहीं जा रही। Thank you.
हाय दैया। मुझे हाथ मत लगाइए। ठीक है, पर ताजिया देख रही तो चल रही हो ना? नहीं, मेरे सर में दर्द है। तब तो जरूर जाना चाहिए, सर पर का बोझ उतार कर जाना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर हाजिर है, मेरी सलाह मानिए, सर का दर्द जियारत की बरकत से दूर हो जाएगा। अब डॉक्टर कब से बन गए? बस अभी अभी मरीज को देखा और दिल किया चलो डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे मरीज रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आपके साथ जाने में मुझे कोई डर तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। पर आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक मैं आपको छूऊंगा तक नहीं। आपने वो खत क्यों जला डाला? कौन सा खत? वही जो कल रात आपने जलाया। मैंने कोई खत नहीं जलाया। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वह मैं तुम्हारा, मैं क्या छुपाऊंगा और तुमसे क्यों छुपाऊंगा? छुपाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। निकाह के पहले दिन से जानती हूँ, 13 साल तो मुझे भी हो गए आपको जानते हुए। क्या मतलब? निकाह से पहले भी बहुत कुछ छुपाया करते थे आप, ये सारी दुनिया जानती है। कितने मशहूर थे आप, हर मोहल्ले में आपकी एक महबूबा रहती थी। तो फिर तुमने मुझसे निकाह क्यों किया था? वो मेरी मजबूरी थी, अगर क्षमा ना होती पेट में तो। अरे क्यों तोहमत पर तोहमत लगाई जा रही हो, कुछ तो शर्म करो बेगम। आप तो बस मुझे इतना बताइए कि वो खत किसका था, रजिस्ट्री से क्यों आया था, किसने लिखा था और आपने उसे जला क्यों डाला? इसी डर की वजह से ना कि वो खत कहीं मेरे हाथ ना लग जाए, मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूं। बेगम यकीन करना सीख लो, बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी और मेरी भी। इसे ही ढूंढ रहे हैं ना? इस पुलंदे को दफना कर ही आना, ये मेरी इल्तिजा नहीं, हुक्म है मेरा तुम्हें क्षमा की कसम।
अब इतना तो बताते जाइए कि जा कहाँ रहे हैं आप और कब तक लौटेंगे। अब तो इन बादलों से बाहर आ जाओ, उतार दो बुरखा और खुले आसमान के उस चांद को जमीन का चांद देखने दो। आपका हौसला भी बड़ा कमाल का है। आहा, अपना वादा याद रहे कि आप मुझे छुएंगे नहीं। पर करीब तो आ सकता हूँ ना। मर्यादा का ख्याल रहे, इसे तोड़ना नहीं। खुदा कसम आप बहुत तड़पाते हैं। अब नहीं बर्दाश्त होता दूरी का ये आलम। डर रहा हूं जानो तन को फूंक डालेगी ये आग, मेरे सीने में जो जख्त हम ने बढ़ाई है आज। एक साहिल है कि उभरा है भंवर की गोद से, और एक कश्ती है कि तूफानों से टकराई है आज। अरे वाह, आप तो शायरी भी कर लेते हैं। मैंने कहा था ना, थोड़ा साथ चलिए, थोड़ा पास आइए, थोड़ा पास आने दीजिए, फिर आप मुझे मुकम्मल जान जाएंगे। मन एक नन्हा सा बालक है, घुमक घुमक रह जाए है, दूर से मुक्का चांद दिखाकर कौन इसे ललचाए है। फूल से खिल गए तसव्वुर में दामने शौक, हर गया कोई। अब मेरे तसव्वुर का उफक रोशन हुआ है, वो चमकती है जहां फलक का सितारा बनकर। अब बस कीजिए, आप यूं बहलाते हुए मुझे बहका देंगे। गर्दिशे खुरगों में तेज हुई, दिल को छूकर गुजर गया कोई। अब बस कीजिए, अब आप मेरे करीब आने के लायक भी नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने पुरखों से बात कर लेता हूँ। पुरखों से? हाँ। पर यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। ये अब क्या कह रही है, मेरे पुरखे इसी कुएं में रहते हैं। वो आपसे बातें करते हैं। अच्छा तो हमें भी कराइए। पर इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन आप मुझे छुएंगे नहीं। अल्लाह कसम बिल्कुल नहीं छूंगा। अच्छा तो चलिए। कहाँ है आपके पुरखे, बुलाइए। इसके लिए हम दोनों को साथ में बुलाना पड़ेगा ना। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? वैसे मुझे जिन्नातों से डर नहीं लगता, मेरा उन पर यकीन ही नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं, जिन्नात जिस पे खुश होते हैं ना उन्हें माला माल कर देते हैं, पैसे से भी और मोहब्बत से भी। अच्छा तो बुलाइए, आज हम भी उनसे कुछ मांगेंगे। अरे इस कुएं को लोहे के चुंगल में कैद क्यों कर रखा है? उसकी भी एक कहानी है। कहानी? कैसी कहानी? सलमा के दादा अक्सर इस कुएं के मुंडेर पर बैठते थे, उनकी पोती यहीं आसपास खेलती रहती थी। एक दिन दादा से कोई मिलने आ गया, दादा उनसे बातें करने में मशगूल हो गए, फिर अचानक से उनकी पोती इस कुएं में गिर गई। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई पर वो ना मिली। कुआं कोई गहरा भी नहीं था, पता नहीं वो नन्ही सी जान कहाँ चली गई।
सलमा के दादा को बहुत धक्का लगा, उनका खाना पीना सब कुछ छूट गया। अक्सर इस कुएं पर आकर अपनी पोती को पुकारा करते थे। कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसे। लोगों का मानना है कि इन दादा और पोती की रूह को जो प्यार से याद करता है ना, वो उनकी मुरादें पूरी करते हैं। लोग इसे बहुत पाक मानते हैं। मांगो, क्या मांगोगी तुम? ये मैं आपको क्यों बताऊं? अरे वो मेरे रिश्तेदार है ना, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं सिफारिश कर दूंगा। आप बहुत चालाक हैं, चलिए मेरी उनसे बात करवाइए। हाय भैया। जब उठा नब्ज में खू, रोशन हुए दिल में चिरा, शायर आतिश नवा ने आग बरसाई है आज। क्यों नहीं मानती? वो नहीं आएगा। मैं उसे तुझसे ज्यादा जानती हूँ, वो जरूर आएगा। वो क्यों आएगा? गालियां खाने? उसने तेरे साथ बेवफाई की है, वो तुझे कैसे मुंह दिखाएगा? वो मुझे अब भी प्यार करता है, ये मेरा यकीन है। वो मेरा पहला प्यार था और पहले प्यार पे शक नहीं करते। वो तेरा पहला प्यार था माना, लेकिन उसका नहीं। रज्जू, तुमने किसी और से निकाह क्यों नहीं कर लिया? कितने अच्छे अच्छे घर आए थे तेरे लिए। मैंने तुझसे कहा ना, वो मेरा पहला प्यार था, क्या मैं उस पर भरोसा ना करती? आन बान जिया मीना, बड़ी शर्म की बात है, पेशाब के लिए उन्हें वीरानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, लड़कों का खुलेआम कंधी शुरू हो जाते हैं, ना शर्म है ना हया है। हाय भैया। प्यारी चित चोर,
मन में बसी, 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 कैसी बसी, आन बान जिया मिला भी जिया जी। क्या बताओ सलमा, कितने रिश्ते आए थे मेरे लिए, बाहरी मुल्क से भी रिश्ते आए थे, मगर मैं सब में अज्जन की बाहें देखती रही। पहले प्यार में बड़ी कशिश होती है, उसे भूलकर किसी और को अपना लेना बेमानी सा लगता है। अच्छा, मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? मुझ पर जो गुजरी वो अगर किसी पत्थर पर भी गुजरती ना तो वो भी चूर चूर हो जाता। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है, कैसे काले कपट्टा से हो गए हो? नौकरी तो है ना, जाहिदा जैसी खूबसूरत बीबी, फूल सी बच्ची, ना कर्ज ना मुकदमेबाजी, फिर तुम चुप क्यों हो? क्या चुप का रोजा रख लिया है? आज 15 बरस बाद रोजा तोड़ने को कहा, वो भी तब जब जबान जायका भूल चुकी है और मैदा कबूलने की सलाहियत खो चुका है। ये जिन्नातों का क्या किस्सा है रज्जो? अज्जन, तुम्हें मालूम है मुझ पर जिन्नात कब आए थे? आज से 12 साल पहले। हाँ, शायद कुछ ऐसा है। तुम्हें शायद याद होगा, तुम्हारी शादी को कितने बरस हो गए? 10 साल। तुम्हें इन दोनों बात तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मालूम होता? अज्जन, क्या आज से 12 साल पहले ये मुमकिन था कि तुम इस तरह खुली खजाने आधी रात को मुझसे बात कर रहे होते? मैं हज को जा रही हूं और हज करने वाला हर उस शख्स से माफी मांगता है जिसके साथ उसने कभी कोई ज्यादती की हो। ज्यादती तो मैंने तुम्हारे साथ की है, मैं तुम्हारा खता बात। अच्छा, तुम्हें याद है मुहर्रम की 9वीं तारीख को तुम मुझे लिए लिए कहाँ घसीटते फिरे? तुम उस खुशनुमा कुआ से मेरे सामने क्या मांगना चाहते थे? तुमने अब्बासी अलम का बोसा लेकर कंखियों से मुझे देखते हुए किसकी आरजू की थी? मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो जाओ, जाकर अपने इमाम बारे की जरी को गौर से देखो, उसमें आज भी मेरे सुरखलट बंधे होंगे, अगर खिचड़ी ना हो गई हो तो। रज्जो, तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी? मैंने शादी क्यों नहीं की? अज्जन, सारंगपुर के नाफों और मिरासिनों से पूछो, वे रिश्ते लाते लाते थक गई थी, मगर मैं इनकार करते करते नहीं थकी थी। तुम क्या चाहते थे कि मैं सारंगपुर से सत्तू बांधकर चित्तहट की ड्योरी पर धूरी रवा कर बैठ जाऊं, ताकि तुम जब बरामद हो तो तुमसे गुजारिश करो, आंचल फैला कर कहो, हुजूर मुझे अपने निकाह में कबूल कर लीजिए, ताकि मेरी जिंदगी समारत हो जाए। लेकिन रज्जो,
मुझ पर जिन्नात नहीं आई थी, बल्कि मैंने खुद जिन्नातों को बुलाया था। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर जिन्नात नहीं आते तो कोई ना कोई दूल्हा जरूर आ जाता, और तब अगर मुझसे जिन्नातों का कुआ अब्बासी अलम और सरी मुबारक मेरे दामन को एक मुराद से भर देने की ख्वाहिश करते तो मैं क्या करती? मैं अपनी किस्मत से क्या कहती कि मैं अज्जन से प्यार करती हूं? इसलिए मैंने वो खेल खेला था, और ये खेल मैं उसी तरह खेल रही थी जिस तरह तुम मेरे साथ चित्ताहट में खेल रहे थे। बैठो। मैं ये हज अपने बाप के लिए करने जा रही हूं, जो मेरे बोझ से कुचल कर मर गया, जिसने अपनी मौत के वक्त भी अपनी आंख बाली के लिए नहीं मेरी जिंदगी के लिए दुआएं करते रहे। इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। अर्जुन, अगर तुम मुझ पर जाहिदा को सौत बना कर ले आते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देती। जाओ, जाओ, मैंने तुम्हें अपने से आजाद किया। अगर ये न समझना मैं कोई एहसान कर रही हूं, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूं, बल्कि तुम्हें माफ करके मैंने खुद को आजाद कर लिया है। जो तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारा खत मिलते ही क्यों चला आया? मैं भी सीने में एक बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं, इसीलिए मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया, कभी तुमको लिख नहीं पाया। मैं तहे दिल से तुमसे माफी चाहता हूं और खुदा से तुम्हारे अच्छे सफर की और कामयाब सफर की इल्तजा करता हूं। कभी कभी बहुत डर जाता हूं, सोचता हूं कल को क्षमा को कहीं मुझ जैसा नामुराद मिल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो
रज्जू, खुदा से मेरी क्षमा के लिए भी दुआ करना। अज्जन, झुमके मेरी तरफ से जाहिदा बहन को दे देना। रज्जू, तुमने शादी नहीं की, ये मेरी सजा है।